बिल्डिंग में कुछ बना रहे थे तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते, तो बोले थे आप तकरीबन दे दो, मैं आपको दे दूँ। कभी लिया गया गार्मेंट्स में जॉब में, मैंने ये लगाएंगे तो आपको पैसा दे देंगे, फिर आप तकरीबन एक साल बाद फिर बोला बिल्डिंग बना रहे उसमें पैसा नहीं। और ये जो पैसा है ये बिल्डिंग के लिए लिया है, एक एग्रीमेंट देखा है जो वो आपको डॉलीगंज के तरफ है हरिदेवपुर, उस वो एग्रीमेंट देखा कर उनको बेवकूफ बना के दिया गया कि आपको पार्टनर ही रखेंगे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज लाइव। फ्रेब, धोखा, चिटिंग, स्कैम का बिल्कुल कलकत्ता शहर में एक फ्रेबी ने नया तरीका ईजाद किया और धोखा देने का भी बिल्कुल ही जिन लोगों को चुना और निशाना बनाया वो लोग भी बिल्कुल ही अलग थे। और इन्होंने धोखा देने का, फ्रेब देने का जो टूल्स इस्तेमाल किए, जो आलाकार इस्तेमाल किया, वो था खास दोस्त, खास रिश्तेदार, खास पहचान के लोगों को निशाना बनाया और ख़ुद को कहता था बड़ा कारोबारी, ताजिर और कहीं कहीं बड़ा बिल्डर भी अपने आप को कहता था। उसका नाम था शब्बीर। शक्ल ठीक से देखिए, सही से पहचानिए, हो सकता है आपको भी कहीं धोखा दिया होगा। किसी से 50,000 लिया, किसी से 1,00,000 लिया, किसी से 22,00,000 रुपया लिया और किसी से 20,00,000 रुपया लिया। अभी कुछ लोगों का कंटिन्यू कंप्लेन आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों न सरप्रस्त चैनल में इसको बेनकाब किया जाए, इसलिए कि जिस शख्स को इन्होंने पहला जो निशाना, जो हम लोग के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो कंप्लेन आया उसमें जो पहला था, वो खुद अपनी सगी भांजी को निशाना बनाया और उसको बिल्डिंग बनाने के नाम पर, उसमें पार्टनर रखने के नाम पर 20 से 22 लाख रुपया लिया और दूसरे कारोबार में लगाएंगे। धोखा देता रहा, जब पैसे का डिमांड किया आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और ये लोग जो थे, इनकी भांजी जो आउट ऑफ इंडिया रहती है, बाहर में रहती है, जब यहाँ आके इंडिया में कंप्लेन की तो थाने वाले ने भी कंप्लेन लेने से इनकार कर दिया। तो फिर बाई पोस्ट के जरिए रिटर्न कंप्लेन किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, इटाली थाना को, और बताया कि हमारे साथ इस किस्म का ये शख्स ने धोखा दिया है। और धोखा देने वाले जो लोग होते हैं वो मोहल्ला को, समाज को, इधर को उधर को, बहुत सारे लोगों को मैनेज करके रखते हैं। और एक शख्स है जिनकी वीडियो भी आप देखेंगे सुनेंगे, उसको 22,00,000 रुपये का दिया और उसको बोला कि मेरी बड़े बाजार में बड़ी गद्दी है कपड़े की, वहाँ पर आपका पैसा लगाऊंगा और हर महीने आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा। या और सामने में एक शख्स मिले, आपको दिखाऊंगा मैं, उसको कर्ज के नाम पे, मदद के नाम पे 1,00,000 रुपया मांगा, ऐसे तो मांगा था और भी ज़्यादा इन्होंने दिया और इनको भी वापस नहीं किया। दूसरा इनका स्कूल का क्लासमेट था, दोस्त था, उनसे भी ज़्यादा मांगा तो उन्होंने भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 50,000 लिया। ऐसे बहुत सारे धोखाबाजी का काम किया है और जिन लोगों को भी धोखा दिया अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, खास दोस्त है, खास है, तो ऐसे लोग को पहचानिए, ऐसे लोग को बेनकाब कीजिए और इस किस्म के लोग मिले तो कम से कम पुलिस के हवाले ज़रूर कर दीजिए, पुलिस को ज़रूर बताइए ताकि किसी भी और भी लोगों को धोखा ना दे सके, फरेब ना दे सके। फरेबी को बेनकाब करना ये वक्त की ज़रूरत भी है। कब किसको किस वक्त कहाँ धोखा दे दे कहना मुश्किल है। फरेबी का बाज़ार गर्म है। इससे पहले एक और फरेबी को हमने दिखाया था जो 35,00,000 रुपये का फ्लैट के नाम पर चिट किया था, ये दूसरा फरेबी को दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे पास या हमारे चैनल के पास वो लोग आते हैं जिन्हें इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है, हर दरवाजे पे जाते कहीं नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ जनता की अदालत में ये शख्स को रख दूँ और जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ उनको भी रख दूँ और इनके साथ इंसाफ मिले, पुलिस भी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे और समाजी लोग भी देखे कि इन लोगों को बेनकाब करना ज़रूरी है। तकरीबन वो मेरे मामा लगता था, मेरा मामा को ऑलमोस्ट 23,00,000 मामा लगता था, ये मामा है जी 23,00,000 रुपया दिया। उसके बाद तकरीबन एक महीना दो महीना बाद 10,00,000, जोर से बोलिए, 10,00,000 रुपया लिया गया। उसके कौन से साल में? साल पता नहीं, लॉकडाउन से आगे था, लॉकडाउन से एक साल डेढ़ साल कबल। हाँ, कभी लिया गया गार्मेंट्स में जॉब में, मैंने ये लगाएंगे तो आपको
पैसा दे देंगे, फिर आप तकरीबन एक साल बाद फिर बोला बिल्डिंग बना रहे उसमें पैसा लिया। उसमें जो फ्लैट के नाम पे जो पैसा लिया गया कि उसमें क्या पार्टनरशिप देंगे या फ्लैट देंगे क्या बोल करके लिया गया था? बिल्डिंग कुछ में बिल्डिंग में कुछ बना रहे थे तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते तो बोल रहे थे आप तकरीबन दे दो मैं आपको दे दूँ। एग्रीमेंट वगैरह हुआ था? हाँ एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ। तो आपके सिस्टर ने क्या FIR वगैरह पुलिस को खबर दी कि इंसान ने फ्रॉड किया? एक्चुअली केस तो चल ही रहा अभी तक लेकिन अभी हमको कुछ पता नहीं है लेकिन मेरा वही केस कर दिया। केस कर दिया, उसका क्या मतलब सूरत हाल निकला वो आपके पास? अभी तक हमको पता नहीं लेकिन केस चल रहा है। मगर अभी आपके जो जिन्होंने पैसा चिट किया उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर, कोई तस्वीर उस्वीर कोई फोटो वोटो आपके पास है? हाँ मेरे पास फोटो है उनका, वो दिखाइए। ये शख्स है मेरा मामा, पैसा लिया, इन्होंने पैसा लिया था, आप देख सकते हैं। इनका नाम शब्बीर मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर खुद अपनी भांजी को इन्होंने चिट किया है, धोखा दिया, फ्रॉड किया है। और अभी ये कहाँ है, कलकत्ता शहर में है या नहीं है? तकरीबन अभी हम लोग खोज खबर कर रहे लेकिन कोई पता नहीं मिला अभी, कोई पता नहीं मिला। फोन उन कर रहे नहीं उठा रहे? फोन कम से कम 10 सिम यूज करता था, 5-6-7 सिम यूज करता था, कोई भी सिम में लगता नहीं है, कोई फोन में नहीं लगता। सिर्फ आप लोग के मतलब आपकी सिस्टर को धोखा दिया है या फ्रॉड किया है या और भी दिगर लोगों के साथ किया? बहुत सारे बहुत लोगों को किया है, बहुत आदमी को किया है, एक दो आदमी को नहीं किया, बहुत सड़क अगल बगल आदमी को भी, अपने जन कोनों को भी किया है। फैमिली रिलेटिव में सब पसंद किया है, सबके साथ किया, अपना अपना भाई चाचा उन लोग अपना जो फैमिली है उन लोगों को संग भी किया, वो उन लोगों के साथ भी किया है। और अभी कम से कम 4 महीने से कम मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई और नंबर चालू करके वो नंबर कम लोग मालूम नहीं है, तब से भागा हुआ है। उनकी फैमिली उमली थी, वाइफ वगैरह? वाइफ थी, वाइफ भी आई हुई थी। हाँ। वो एक बहाना मान के आया था, मेरा हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन झूठ बात था, वो फॉल्स करके भागा हुआ था। वो हम लोग टाइम दे रहा, टाइम पर टाइम टाल देते यार था, हम लोग बहुत तकलीफ भी किया, उसके लिए बोला भी किया हम लोग। अभी कोई कहाँ रहना सहना कहाँ था उसका? पहले रहना सहना उसका सबसे पहला था फुलवान में। हाँ। फुलवान हरुण बिरयानी के पास रहना सहना था। अब उसका बाद से लोग चल गया है तो सिया सातबाची का बाद, वहां से घर बेच के आई से फिर फुलवान यहाँ पर रहने लगी था, फिर घर में वहां पर बेच के फिर आई से यहाँ पर, वहां से जो लास्ट 31st का रात में आई था उस दिन से फिर वो गैप हुआ है। 31st क्या ये इस साल या ये साल 2023 का रात में 31st का नाइट दिसंबर? हाँ दिसंबर वो टाइम आई था, उसका बाद से वो गैप हुआ है। कोई खबर वो खबर नहीं उसका बाद जो ऑलमोस्ट कितना लोगों चिटिंग बाजी क्या होगा ज्यादा फ्रॉड किया कम फ्रॉड 4-7 आदमी का फ्रॉड किया हुआ है, वो किया हुआ है बहुत आदमी कम से कम 70-80 करोड़ रुपया लेकर भागा हुआ। 70-80 लाख रुपया लेकर भागा हुआ है। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? तकरीबन अभी तक तो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे लेकिन कोई लाभ पता ही नहीं मिल रहा कहाँ पे है, लेकिन हम लोग केस किया हुआ ऑलरेडी। हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से चाहते हैं जल्द से जल्द इसको धरा जाए और जितना मेरा बहन का पैसा लिया सब पैसा दे दिए। और भी देगर लोग का जो पैसा है दूसरे लोग का, जैसा ये तो गलत काम है ना, जिससे पैसा लेना ये तो बहुत गलत काम है, हम चाह रहे हैं इसको सजा मिले और जितना पैसा सबका लिया सबका पैसा वापस कर। तमन्ना जमशेद का जो 20-22 लाख रुपया जो इन्होंने चिटिंगबाजी किया है मोहम्मद शब्बीर, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए ऐसा है, ये शब्बीर जो है ये जोर से बोलेंगे लाउडली, शब्बीर जो है ये मामा ससुर हुए हमारे साथ है और ये तकरीबन आपके कौन साला है? जमशेद हमारे साथ, जमशेद मतलब तमन्ना के जो हस्बैंड है वो आपके साला? हाँ जी, जी। तो और ये तमन्ना के जो मामा है इन्होंने पैसा चिटिंग किया हमारे साला से तकरीबन 22 से 30 लाख रुपए लगभग ऐसे ही, और ये जो पैसा है ये बिल्डिंग के लिए लिया गया, एक एग्रीमेंट देखा है जो आपको टॉलीगंज की तरफ पड़ता है हरिदेवपुर, उस वो एग्रीमेंट देखा कर उनको बेवकूफ बना के दिया गया कि आपको पार्टनर ही रखेंगे और इस पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में आपको मैं दिया जाएगा जो 1% इनके साथ तय हुआ, और उसके बाद जो है ना ही वो काम आज तक शुरू हुआ, और इस काम के लिए मैं भी बीच में करीब तकरीबन 2 साल पहले शब्बीर को मैंने टच किया कि भाई बिल्डिंग से रिलेटेड तो हम भी जानते हैं आपको इतना दिन प्लानिंग आने में कितना दिन लग रहा है, तो बस आ जाएगा तकरीबन ये कर फॉलो अप कर इसी तरह वो टालता चला गया, टालते तो पैसा रिकवर करने का जो कुछ एग्रीमेंट भी बना था आप उसमें कुछ? हाँ जी जी जी, एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट था? वो एग्रीमेंट बना था कि शायद हम आपको जो है 14
छोटी या कुछ परसेंट जो है हम देंगे तकरीबन इस एतबार से, ठीक है। तो उसके बाद तो वो फेल हो गया, जब काम ही नहीं हुआ तो फिर परसेंट कहाँ बचा। फिर जाकर आगे जाकर ये आया तो फिर पैसे के लिए वो शब्दीप और उसकी वाइफ ये सारे लोग उनके घर पे एग्री हुए और एक पेपर में साइन करके दिया कि मैं इतना रुपये आपका लिया हूँ, मैं इससे यानी ये कर रहा हूँ और मैं आपको ये पैसा रिटर्न दूंगा। अब ये रिटर्न देने के बजाय ये आगे आगे चलते चले गए, लेकिन कोई पैसा भी नहीं मिला। आखिर टाइम था ये आज से तकरीबन यानी 3-4 माह पीछे, साला हमारे आ रहे थे दुबई से, तो उनको मैंने कहा था कि इस बात को अपने अंदर आप दबा कर रखना कि किसी को खबर ना हो, आप डायरेक्टली अपने घर पे उतरे, बाद में आप ससुराल में जाए। लेकिन किसी तरह जो है इनके ससुराल वालों को खबर चल गया, किसके किस तरह से पता है, और उसके बाद ससुराल से जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया मोहम्मद शब्बीर को, और जिस दिन ये यहाँ पे जिन्होंने पैसा लिया था, जिन्होंने पैसा लिया मोहम्मद शब्बीर, जैसे वो आए यहाँ पे ये लाइन किए और वो सेम डे यहाँ से अपना घर जो है छोड़कर भाग गए। वो शब्बीर क्या वो एक हम लोग एक और भी आदमी के किए थे, उसका भी 20-22 लाख रुपया, मगर उसको बोला कि हम गारमेंट्स का बड़ा बाजार में मंडी खोले हैं, वहाँ पर आप दीजिए बड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वो गारमेंट्स का भी काम करते हैं, वो गारमेंट्स से भी काम करते हैं, और वो जिसको जैसे पाया उस तरह से लूटा है। मेरे ख्याल से जब लोग अभी वीडियो देखेंगे तो आपके पास और भी बहुत सारे लोग आएंगे, ये वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ही पता नहीं। तो अभी वो कलकत्ता में नहीं है, अभी फिलहाल तो कलकत्ते में है नहीं, पता नहीं कहीं और तो और लूट रहा, क्योंकि ये चीटिंग के सेवा रह नहीं सकता। तो ये इनका रिहाइश रहना सहना कहाँ था पहले? ये एक्चुअली रहने वाले जो है ये आपको चुरगारत जो है, चुरगारत के रहने वाले, फिर ये फूल बगान भी रहते, और मेरे जब इनसे मुलाकात है तो ये तोपसिया में रहते। तोपसिया कहाँ? तोपसिया जो है सामनाची के पास रहते। अपने मकान थे या किराए के मकान थे? मतलब हाई रेंट पर अपना खुद का मकान था। कहाँ? ये तोपसिया सामनाची के पास अपना मकान था। जी हाँ जी, अपना फ्लैट था वहाँ पे। उसको जब इनके साथ बात तय होने के बाद जब ये दोबारा वापस चले गए तो उसे सेल कर फिर ये भाग गया। सेल करके लीजिए, फिर किसी वजह से अभी कितने दिन से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर नहीं आप लोग के पास? पिछले जब वो आए, कौन से महीने में आए थे? दिसंबर या जनवरी की जी, ये उस वक्त से ये जो लापता है, तो अब तक कोई आप लोगों ने कोई कंप्लेन FIR जनरल डायरी वगैरह पुलिस स्टेशन में और भी दिगर जगहों में आप लोगों ने किया कि नहीं? जी हाँ, सारा कुछ कर दिया गया है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, डायरी कर दिया गया उसके अगेंस्ट में, और ऑलरेडी उसके उसके जो चेक वगैरह है, जो उन्होंने चेक भी दिया था, वो चेक भी डाला गया, चेक सारा बाउंस हो गया जी, वो सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह, जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा हमारे पास है। हाँ, तो फिर क्या रिस्पॉन्स क्या दिया पुलिस ने? पुलिस ने अभी वही कार्रवाई चल रहा है कोर्ट पे, उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। वो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनके पैसे मिल जाए, और उनको पैसे मिल जाए, और बहुत सारे लोगों का लिया है, सबको उसका हक मिल जाए। ये चीटर आज भी कहीं चीटिंग कर रहा हो, लेकिन एक चीज मुझे और कहना है कि ये ट्विंस भाई है, और दो भाई है, जी हाँ, दो भाई है, एक ही शक्ल, और एक जो है बहुत सीधा बंदा है जिनका नाम सरफराज है, वो ठीक ठाक है, उनका अपना खुद गारमेंट्स का भी काम है, वो अपने कारोबार में रहते हैं, वो कोई चीटर नहीं है, नाइस इंसान है, बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव इंसान है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, इनका शक्ल मिलता जुलता है, लेकिन इसकी एक आंख काना है, पत्थर की आंख है, जो फ्रॉड कर रहा है उसका आंख में शीशे की आंख लगी। जी 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 हाँ जी, पत्थर की एक आंख, वो जो है चीटर है, अगला बंदा चीटर नहीं है कि लोग उनको कहीं देख के ये ना समझ ले कि ये भी इंसान यही। जी, अपना नाम बताएं। और जी, हमारा नाम तनवीर आलम है जी, और मैं जमशेद भाई का बहन हुआ जिनके साथ चिटी हुआ, तमन्ना मेरी भाभी है, और यही है, बस यही चाहिए कि इंसाफ मिले। और ये कहीं ना कहीं ये बहुत गंदा इंसान है, आप समझ रहे हैं, जो अपने कैसा मामा ससुर होता है, जो अपनी भांजी, मतलब ये इंसान में एक बड़ी खूबी है कि रिश्तेदार को ज्यादा चिटिंग बाजी, दोस्त रिश्तेदार को, हाँ, जो आराम से कॉन्फिडेंस में आ गया, हाँ, जो वैल्यू में लेकर आराम से लगा कि नहीं ठीक है मामा है, हाँ, रिश्ते के नाम पर इसने फ्रॉड किया। इस वजह से मुझे भी 2.5 तकरीबन 1 साल बाद इसलिए पता चला
क्योंकि वो ससुराल के लिए हाइड कर रहे थे। हाँ, जाहिर सी बात है कि रिश्ते का मामला, रिश्ते का मामला बहुत नाजुक मामला होता है, वो हाइड कर रहे थे। फिर उसके बाद जब साल गुजर गया तब वो मुझसे बताया कि भाजन ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए, चलो पकड़ते हैं। तो जब गए तो यही बात हुआ, तो वही चीज को कहा मैं दे दूंगा। लेकिन आखिरी जब एक वक्त आया जो उसने अपने एक एग्रीमेंट किया था, इस वक्त मैं दे दूंगा, उसके बाद ही वो 9-11 हो फरार हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ऐसे लोग के साथ सख्त सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया। आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से फ्रॉड हुआ है? हमारे साथ सफीर आया और उसके बाद आया, बताया कारोबार करना है, ये करना है, वो करना है, तरह तरह का ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से हमसे पेमेंट लेता गया, पैसा लेता गया। फिर उनका ये कब से पैसा लेना शुरू किया था आपके साथ? ये 2020 से 2020 से 2020 से लेना शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 लेता गया, अमाउंट जाके बड़ा अमाउंट में जा रहे थे। कितना पैसा लिया टोटल? 22 लाख रुपया लमसम लिया। लमसम आपसे 22 लाख? एग्जैक्ट 22 लाख। एग्जैक्ट 22 लाख। तो इस 22 लाख में क्या बोला था, हम आपको पार्टनर बनाते हैं या बिल्डिंग में? नहीं, बिल्डिंग विल्डिंग का नहीं, वो काम करता था कमरे का। हाँ, तो बताया कि आपको पार्टनर बनाते हैं, आपको जो मुनाफा होगा उसका रिस्पेक्ट देंगे। एक तो हिस्सा तो तय कर दिया था। हाँ, जिसकी वजह से वो आपको कुछ दिन देता है, दो चार ऐसे फाइनेंशियल आपको बोला कि आप पार्टनर एतबार से रहिए। और जिस इंसान ने पैसा लिया था उसका क्या नाम था? मोहम्मद सबीर। मोहम्मद सबीर कहाँ रहता? आपके पास कुछ फोटो जो वगैरह है? हाँ, फोटो फोटो दिखाइए प्लीज। ये फोटो है? हाँ जी, ये भी आता था, इसकी बीवी आलिया भी आती थी, वो भी बहुत मतलब भैया दे दीजिए, ये वो मतलब काम कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ मिल करके प्लानिंग करके आपको चिटिंग माजिक किया। और कुछ पैसा आपको दिया कि नहीं? नहीं, कुछ पैसा दिया। कितना पैसा दिया? उसका तो इनाम नहीं है, महीने में लाके देता था। आपको कितना महीना दिया होगा? 4-6 महीना दिया। एवरेज कितना? 4-5 लाख। 22 लाख में 4-5 लाख रुपये, वो 4-5 लाख रुपया दिया, बाकी पैसा जो है उसके बाद फिर हम उसे बोल दिया कि तुम नहीं सकते, देने नहीं सक रहा था, तो हम बोला तुम फोल्डर हो जाओ, मेरा पूंजी जो दिए वापस, वो कैपिटल वापस कर, कैपिटल वापस कर। हाँ, वो वापस करने का टाइम दिया 6 महीने टाइम दिया। फिर उसके बाद आया एक दिन, फिर हमसे पैसा मांगा, हमने नहीं दिया। फिर उसके बाद बोला 2-4 महीना रुके, रुकने के बाद मेरा तबियत खराब हो गया। उसके बाद मेरा बड़ा वाला साला आया, उनसे भी हमने बातचीत किया, बातचीत कर। ये इंसान शब्बीर ने जो फ्रॉड आपके साथ किया था, ये कितने सालों से आप जानते थे? किसको? उसी इंसान को जिसको आपने पैसा दिया। वो हमारा रिलेशन था, खलेरा साला था। वो खलेरा साला था? ओहो, खलेरा साला था, खलेरा साला था, मतलब रिश्ते के नाम पर आपको फ्रॉड किया। रिश्ते के नाम पे फ्रॉड किया, हम लोग पता नहीं कि इस तरह का करेगा वो, हम लोग विश्वास कर लिया, विश्वास के तौर पे हम लोग इस तरह का ठग के चला। आप उसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह कुछ किए कि नहीं, जीडी एफआईआर वगैरह? नहीं, हमने किया, हमारे साथी संगठन जो है वो लोग किए हैं, हम नहीं किया। क्या चाहते हो हुकूमत से? और हुकूमत से मदद चाहिए कि पैसा मेरा सही सलामत। पुलिस वगैरह से क्या चाहते हैं? पुलिस से भी चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों का सहायता करें और उसको पकड़ के हम लोग, आपको तो उसके खिलाफ एफआईआर जीडी डायरी करना पड़ेगा आपको, जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है वहाँ करना पड़ेगा। तो जो थाने के अंदर में उनका ऑफिस था या घर था उसी थाने में जाकर के कीजिए उसका। वो तो 3-4 जगह इस दौरान 3-4 जगह रहा, फुलवान में रहा, फिर इसके बाद तपसे आया। हाँ, फुलवान में पैसा लिया, फिर तपसे भी आया, तपसे के बाद फिर फुलवान चला, तब हाईलैंड में जाता, उसके बाद वहाँ से फरार, वहाँ से फरार हो गया। कितने महीने से आपका रब्ता नहीं है? अभी करीब करीब 8-10 महीने से रब्ता नहीं, उसके बाद 6 महीना रब्ता था, उसके बाद 10 महीने। साहब, आपके साथ कैसा फ्रॉड हो गया? क्या आपको भी दोस्ती होने के नाते से या फिर रिश्तेदार होने के नाते? मतलब स्कूल के टाइम से जानते थे, छोटे के तो स्कूल में 4-5 क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन जानते थे कपड़ों का कारोबार करता और मिलता जुलता रहता था। एक दिन ऐसे ही आया, बोला कि आपको भाई एक माल डिलीवरी करना है, 50,000 रुपया घट रहा है, तो अगर तू दे देगा तो उसको भी कुछ प्रॉफिट दे देंगे। तो पहला बार उसको भगा दिया, मतलब भाई ठीक है पैसा, लेकिन फिर दूसरा दिन आ गया तो दोस्त है बार बार बोल रहा, जान रहा हूँ कि उसका घर दरवाजा सब जानते थे हम, लेकिन हमको क्या पता कि बेच बाज के सब भाग जाएगा, दरअसल सबको बेच बाज के भाग गया। और अजाज साहब तो हम उसको ऑनलाइन दिए थे, मेरे पास मतलब ऑनलाइन वगैरह का है, वो दिखाइए। तो 10 जुलाई को हम उसको पेमेंट किया था, उनके बैंक अकाउंट में अपडेट डाला था जी।
50,000 रुपए डाला था, मांग तो बहुत रहा था, हम बोला भाई पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो बोल रहा है दोस्ती के नाते हम तुमने हेल्प कर दे रहे। तो उसके बाद हमको एक दुआ और मिला उसको, जहाँ पे हायरेंट में रह रहा था फूल लगान में, वहाँ पे जाके उससे मिला, बोला भाई बिजनेस में लॉस हो गया, थोड़ा सा टाइम दे दे हम तुमको दे देंगे। इसी तरह एक दो महीना इधर चलता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि और भी लोगों का लेके बैठा हुआ है, बहुत लोगों का किया, और भी दो तीन लोगों का मेरे जानकारी में हमको देने के बाद पता चला। फिर तो हम समझ गए फ्रॉड है, लेकिन हम उसको घर आने आना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में तो वो गायब ही हो गया पूरा, गायब हो गया 3-4 महीने से उसका कोई पता। आप क्या चाहते हैं पुलिस वगैरह से, एडमिनिस्ट्रेशन से, किस किस्म का हेल्प चाहिए आप? हेल्प अगर पैसा निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो भाई पैसा था। ये फ्रॉड आदमी की क्या सजा होनी चाहिए? फ्रॉड आदमी का भाई मेरे साथ जो, कम से कम दूसरा का साथ नहीं, हम यही चाहेंगे तो पकड़ के वो भाई उसको सजा मिले। उसकी बीवी बिली भी, हम तो उसका छोटा बच्चा को देखा था, कितना समझाया था भाई छोटा बच्चा है तेरा, ये सब उल्टा पल्टा काम मत करेगा अगर तुम सोच रहे, लेकिन वो एक्चुअली फ्रॉडी में उतर गया तो उसका कुछ उपाय नहीं। मगर अफसोस की बात है, उसका फ्रेंड कंधनी में पढ़ता था, हम देख रहे भाई कहाँ भागेगा, घर है, बच्चा इतना अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, वाइफ बीएड बीएड करके गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी कर रही है, इतना अच्छा फैमिली समझ में आ रहा, तो उसके सामने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये भाग जाएगा। फोर्स बीएड तो नहीं कर रही थी, खाली बोल रहा था, आपने पेपर तो देखा था? जानता भाई नहीं, आप नहीं बता, बीएड नहीं कर रही थी, और ये फॉल्स बक रहा था ना, अल्लाह बेबी भी शामिल है ना, दोनों मिल करके ससुराल वाले भी जानते हैं, वो लोग सब ना, ससुराल वाले को भी पता, ससुराल वाले भी जानते हैं। ससुराल कहाँ पर है? वो कलंगा में। कलंगा में आप लोग गए कि नहीं वहाँ पर? हम लोग एक बार गए थे, उसके बाद अभी जाने का मौका नहीं मिला, रोजा रमजान। जाइए जाइए आप, जाइए जाइए, नहीं जाना आना करेंगे, फोन से बात होता है, लेकिन ससुराल वाले कुछ और है। अरे गुंडा होने से कानून से बड़ी कोई चीज है? गुंडा उंडा क्या क्या कर लेगा? अली कितने सालों से जानते थे? 3-4 साल से क्या बोल करके, आपसे क्या बोल के पैसा लिया? मदद मांगा था, पहले 3 लाख बोला था, मुमकिन तो नहीं है भाई मेरे, और सब चीज बिलीव भी नहीं कर रहे, अच्छा 1 लाख दीजिए, एक महीने का वक्फा लिया था, उसके बाद हम लौटा देंगे। उस बीच हमको 2 इंस्टॉलमेंट दिए, छोटा छोटा, 5,000 दिए, 7,000 दिए, 12,000 रुपये हमको मिल चुका है। 1 लाख में से आपके पास 12,000 मिल जाए, मतलब 88,000। उसके बाद देखा उसका वो सामने मुलाकात नहीं हो रहा, फोन नहीं उठा रहे, सब शुरू होने लगा। आप क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। आप रिटायर्ड? सरकारी नौकरी में थे? नहीं नहीं सरकारी, ओ बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस से रिटायर्ड ले लिए, बहुत मुश्किल होता होगा इतना कमाया हुआ पैसा, जमाया हुआ पैसा आपका? देखिए दुनियावी हिसाब से तो मुश्किल होता है, लेकिन चलाने वाला अल्लाह है। आप क्या चाहते, किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को? सजा इसका मोटा मोटा भारी भारी गया इन लोग का अमाउंट, क्या नाम है मिराज तुम्हारा, कितना है? मेरा भाई का 22 लाख। इसकी बहन का 22 लाख। 22 लाख इनका 23 लाख हो गया, इनका भी 22 लाख है। 22 लाख आपका? 22 आपका, 22 ये बहन, मतलब 44 लाख हो गया आपके, 45 है इनका, 50,000 और भाई 60-70 लाख और भी लोग हैं, और भी लोग मेरे भी जानने में कितना पैसा लिया हुआ है, बहुत आदमी का सजा चाहते हैं, कैसे सजा चाहते हैं? क्या पैसा देते हैं आप? अगर वो सजा देने पाएंगे तो पैसा नहीं देंगे, पैसा देते हैं आपको क्या करना है? नहीं ऐसी तो नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में जो हम करता इंसान, जो पैसा लिया पैसा दे दे, कानूनी सजा दे, ताकि आइंदा इस किस्म की फ्रॉडनेस का काम ना करे। कुछ पैसा में से कुछ खर्च हो गया तो डिक्लेयर करे, बातचीत करे, इंशाल्लाह हम लोग कर देंगे।
समझाएंगे इन लोगों को, हमारा तो बोलने से नहीं होगा, थोड़ा अमाउंट है सबको बोलेगा आप बोलने के लिए। फ्रॉड में उतर गया एक्चुअली, जिसे इससे पता चला ना फ्रॉड में उतर चुका, सीरियल फ्रॉडर हो गया वो, उससे अलग नहीं है सीरियल फ्रॉडर हो गया। क्योंकि मेरा जाने के बाद जब दूसरा से बात करो भाई, बोले यार मैं भी 1,00,000 दे दिया हूँ, कोई बोला 6,000 भी लिया किन बंदा से, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक तो बोल रहा है कि ऐसा मुझे एक बार बोले कि भाई मुझे लोन में किसी से सूद में दिलवा दे, बोला यार मेरे का सूद में कहा दिलाऊंगा भाई, मुझे उतना आइडिया नहीं, मेरे पास से जितना बना था हम उसको बता दे दिए। कोशिश यही कीजिए कि अगर वो आके भी मिल मिला के भी पीछे बैठ के कुछ कर सकता है। चलिए इसके लेकर के हम लोग जरूर आप लोग का जो पैसा किया है पैसा मिल जानी चाहिए, और जहां भी रहेगा अगर देखेगा तो न्यूज़ को तो जरूर, पुलिस भी इसके पर FIR भी हो चुका है, इनकी सिस्टर ने FIR भी किया है तमन्ना जमशेद खान ने। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now